इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित। अचानक हो गया बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले T20 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है, जिसमें कई बड़े बदलाव टीम इंडिया में किए गए हैं। वही नए खिलाड़ियों को T20 टीम में शामिल किया गया था, उन्हें भी अब T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है। आपको बताएंगे इसकी बड़ी वजह, साथ ही उन खिलाड़ियों के बारे में भी आपको बताएंगे जिनकी अब T20 में सीधे एंट्री हुई है। दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वहीं दोस्तों, क्रिकेट जगत से जुड़ी और भी बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही है, उस खबर के बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जिसमें दूसरी खबर ये होगी, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उतरने से पहले हार्दिक पांड्या ने किया बड़ा बदलाव, अब थरथर कांपेंगे अंग्रेज। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 से पहले अपने तकनीक में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद तो अंग्रेजों की अब सामत आनी तय है। आपको बताएंगे इस खबर के बारे में पूरे विस्तार से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टीम इंडिया टेस्ट की तरह T20 में भी अंग्रेजों को रौंदे, तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में साल के आखिर में T20 वर्ल्ड कप होना है। इससे पहले भारत का इंग्लैंड से 5 T20 मैचों की सीरीज में सामना हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज काफी अहम होगी। इस सीरीज के जरिए वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस बारे में टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर का कहना है कि इस सीरीज से पता किया जाएगा कि कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेलेंगे, ऐसे में इससे काफी उम्मीदें हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में ऐतिहासिक जीत से काफी उत्साह में है और T20 में भी अंग्रेजों को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी नेट में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। वही दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच 12 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस मैच के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। ओपनिंग की बात करें तो एक बार फिर मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ रोहित और शिखर की जोड़ी धमाल मचाएगी, तो वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाजी करेंगे, तो चौथे नंबर पर केएल राहुल अंग्रेजों के छक्के छुड़ाएंगे, वहीं पांचवे नंबर पर श्रेयस अय्यर धमाल मचाएंगे, जबकि छठवें नंबर पर ऋषभ पंत अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों में खौफ पैदा करेंगे। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर पर भी अंग्रेजों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को T20 में शामिल किया गया है और आप जानते हैं, हार्दिक जब अपने लय में आते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज हो उसकी धुनाई पक्की है। वहीं दोस्तों, गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो टी नटराजन और दीपक चहर तेज गेंदबाजी में धमाल मचाएंगे, जबकि स्पिन डिपार्ट युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल संभालेंगे। तो दोस्तों, इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम पहले T20 में अंग्रेजों के खिलाफ उतरेगी। तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये प्लेइंग 11 कैसी। वहीं दोस्तों, बात करें दूसरी खबर की, तो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उतरने से पहले हार्दिक पांड्या ने किया ये बदलाव, थरथर कांपेंगे अंग्रेज। दोस्तों, भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने खेल में बदलाव किया है और इस समय वो नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। हार्दिक इंग्लैंड के खिलाफ तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हार्दिक ने अपने ट्विटर पेज पर अभ्यास का वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, हार्दिक ने जो वीडियो अपने ट्विटर पर अपलोड किया है, उसमें वे बल्लेबाजी अभ्यास करते हुए लंबे लंबे शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में हार्दिक गेंदबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ हार्दिक ने लिखा है, तैयारी पूरी, 12 को मैदान पर आने को बेसब्र। हार्दिक ने 2019 में कमर में स्ट्रेक फ्रैक्चर होने के बाद बहुत कम ही गेंदबाजी की है, लेकिन अब वे अपने गेंदबाजी एक्शन में बड़ा बदलाव किए हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ वे अपनी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से अंग्रेजों पर कहर ढाएंगे।